खार्किव में रूसी सेना ने MLRS से हमला किया। ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से विध्वंसक प्रहार किया गया है। हमले में यूक्रेन का वैम्पायर तबाह हुआ है। यूक्रेनी सेना के 3 सैन्य वाहन भी खत्म हो गए। दो अप्रैल को इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया। इस अटैक में कई ईरानी कमांडरों की मौत हुई, मगर इसराइल का यही हमला अब पूरे अरब वर्ल्ड को महाजंग में झोंक सकता है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि अरब के साथ साथ अफ्रीका में भी बारूदी भूचाल आ सकता है, क्योंकि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। किन हथियारों से इसराइल पर हमला होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये सारा प्लान ईरानी सेना ने तैयार कर लिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान अकेला नहीं, बल्कि तमाम प्रॉक्सी संगठनों के लाखों सैनिकों के साथ उतरेगा। तो क्या रईसी के प्रतिशोध से इसराइल का वजूद मिटना तय है? आप ही देखिए। अरब में अब तक के सबसे भीषण युद्ध का आगाज होने वाला है। घातक मिसाइलों, विस्फोटक ड्रोन हमलों के साथ साथ एटमी हथियारों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने वाला है। और जानते हैं इस बार अरब वॉर में किसकी बलि चढ़ेगी? वो कौन सा मुल्क है जिसका वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? नाम है इसराइल। दो अप्रैल को सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास पर इसराइल ने हमला किया और इसराइली सेना के इसी बारूदी प्रहार से ऐसी चिंगारी भड़की जिसकी चपेट में इसराइल ही क्या बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भी आ सकता है। क्योंकि ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जल्दी ईरान की तरफ से इसराइल पर हमला हो सकता है। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की जाएगी। ईरानी प्रॉक्सी भी इसराइल इलाकों में हमले को अंजाम देंगे। वहीं होती ने ईरान को करीब 4 लाख सैनिक देने का ऐलान किया है। अब तक यमन का हूती गुट 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर चुका है। ईरान मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में US बेस पर भी अटैक करेगा। मतलब ये कि इस बार ईरान के बारूदी प्रतिशोध में इसराइल का कोना कोना बारूद से दहलेगा ही। बल्कि इसके साथ साथ रईसी अरब वर्ल्ड से भी महाशक्ति अमेरिका के पांव उखाड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तभी तो रईसी के साथ साथ ईरान समर्थित संगठन भी पूरे एक्शन में है। होती हो या फिर हिजबुल्ला, हर कोई इसराइल अमेरिका के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर चुका है। बस इंतजार है रईसी के एक ऑर्डर का। ईरानी प्रेसिडेंट रईसी इस बार इसराइल से हर पुराना हिसाब चुकता करने की तैयारी में है। तभी तो जल थल नव हर फ्रंट से इसराइल की घेराबंदी की जा रही है। ईरान अपने तमाम विनाशकों को धार दे रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है इसराइल में बारूदी जलजला लाने के लिए रईसी ने अपने तमाम ब्रह्मास्त्रों को एक्शन में ला दिया है। बाकायदा ईरानी सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इसराइल पर किन किन मिसाइलों से प्रहार होगा। ईरान की राजधानी तेहरान से तेलवीव की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है।
ऐसे में इसराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए ईरान ने 9 घातक ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में उतारने की तैयारी कर ली है। मसलन ईरान की पहली घातक मिसाइल सेजल है, जिसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 12 यानी 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक कर सकती है। वहीं ईरान का दूसरा ब्रह्मास्त्र खैबर मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है। तीसरी मिसाइल इमाद है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 यानी 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। ईरान का चौथा ब्रह्मास्त्र शहाब 3 है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 7 की रफ्तार से पिन पॉइंट अटैक करती है। इसराइल को दहलाने वाली पांचवी मिसाइल का नाम गदर है, जो मैक 9 की रफ्तार से 9000 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है। ईरान की छठी मिसाइल फबे है, जो एक शॉर्ट रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1650 किलोमीटर है, तो वहीं रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटे की है। रईसी के सातवें ब्रह्मास्त्र का नाम फतह 2 है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह 2 मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और ये मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। ईरान की आठवीं मिसाइल खैबर शिकन है, जो कि 1500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है, वो भी 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं इसराइल में बारूदी भूचाल लाने के लिए ईरान की नौवीं मिसाइल हज कसेम है, जो मैक 5 की रफ्तार से 1400 किलोमीटर तक के इलाके को दहला सकती है। यही वो 9 मिसाइलें हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी वक्त रईसी इसराइल के खिलाफ कर सकते हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसराइल पर ईरान सिर्फ बैलिस्टिक या फिर क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ पहली बार ईरान एटमी वॉरहेड से लैस मिसाइल को इसराइल पर दाग सकता है। मसलन ईरान ने फतेह 1 मिसाइल को एटमी वॉरहेड से लैस किया। फतेह 1 मीडियम रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 1400 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल मैक 15 यानी 18500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। दरअसल ईरान ने फतेह 1 मिसाइल को न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस इसलिए किया है क्योंकि अगर ईरान हमला करता है, उसके जवाब में अगर नेतन्याहू एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ईरान भी फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी जलजला ला सके। एक तरफ ईरान के जंगी तेवर ने इसराइल के होश फाख्ता कर रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी टॉक्सी के हमलों से तेल अवीव में खलबली मची, क्योंकि ईरान के हमले से पहले ही ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायली इलाकों को दहलाना शुरू कर दिया है। मसलन ईरानी प्रॉक्सी ने इजरायल के इलाट पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने गाजा में आईडीएफ के सैन्य अड्डे तबाह किए। हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इजरायल के इलाके में प्रचंड बमबारी की। वहीं होती ने रेड सी में इजरायल के कार्गो शिप पर अटैक किया। इसके अलावा हुती ने यूएस ब्रिटेन के कार्गो शिप पर भी हमला किया। इजरायली इलाकों में ईरानी प्रॉक्सी के सीरियल अटैक से नेतन्याहू भी सन्न है। वहीं इजरायली सेना में भी खौफ पसरा हुआ है। ऐसे में इजरायली डिफेंस ने गाजा में जंग लड़ रहे करीब 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। दावा किया जा रहा है कि गाजा से बुलाए गए आईडीएफ के करीब 10,000 जवानों की तैनाती अब इसराइल बॉर्डर के उन इलाकों पर होगी, जहां से ईरानी प्रॉक्सी हमले को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है। ऐसे में इसराइल ने ईरानी हमले रोकने के लिए ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस बम को लोड किया है। मतलब ये कि इस बार अरब में ईरान वर्सेस इसराइल के बीच आर पार की जंग होनी
करीब करीब तय हो चुका है। अब ये देखना होगा कि सीरिया हमले का प्रतिशोध लेने के लिए रईसी इसराइल पर पहले विध्वंसक हमले को अंजाम कब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।